आप प्रेस के दोस्तों का खुशामदीद हैं। आज बारे मन से और अफसोस जताते हुए ये कहना पड़ता है कि हमारे जम्मू प्रांत में डांगरी से लेके शिवखोड़ी से लेके आज कठुआ और दूसरी जगहों पर जो हालात इनसिक्योरिटी के बन गए हैं, जो इनसिक्योरिटी प्रवेल हो रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है। हर तरफ डर का माहौल है और इस माहौल में किसी भी व्यक्ति का रूटीन में या बैलेंस तरीके से अपना काम करना मुश्किल हो रहा है। आए दिन पहले सिविलियंस के ऊपर अटैक, फिर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक, आज भी दो जगह पर फायरिंग चल रही है। ये जो असमंजस की सिचुएशन है, ये डर का माहौल है, ये कब तक रहेगा और इसका कौन जिम्मेवार है और कौन इसको रोकेगा, आज ये प्रश्न चिन्ह है हम सब के लिए। ऐसे हालात में ना बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, ना मरीज़ अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है, ना ही अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा सकता है। जहां हमने सोचा था कि एक वक्त आएगा फिर वापस जो अमन हुआ था जम्मू कश्मीर में, तरक्की की राह पे हम गामजन होंगे, हम पूरे देश और दुनिया के साथ कंपटीशन करेंगे, लेकिन आज के हालात में ये सब एक सुनहरा सपना दिखती हैं, टूटा हुआ सपना दिख रहा है। इस शीशे को तोड़ने का जिम्मेवार कौन है, इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हर एक इवेंट जो हो रहा है, हर एक जो इंसिडेंट हो रहा है, चाहे वो मिलिटेंसी का हो, चाहे वो गाड़ियों के एक्सीडेंट का हो, हमारे लोग जहाँ बाक हो रहे हैं, लाशें हमारे घरों में जा रही हैं, जख्मी हमारे कई अस्पतालों में घूम फिर रहे हैं, वहाँ इलाज मालजा हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी को कोई चिंता नहीं है। आज हम जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से अपना दुख प्रकट करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं और ये सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको और देरी और तखीर और इंतज़ार का वक़्त नहीं है, बल्कि रिस्टोर करें यहाँ की तमाम वो सिक्योरिटी पिकट्स, तमाम वो नंबरदार चौकीदार जिनको हटा दिया गया है, एसपीओ जिनको निकाल दिया गया है, या और बीडीसी जो हैं जिनको स्ट्रेंथन करने से अपना कदम हमने रोका है, उसको रोकना नहीं बल्कि उसको बढ़ाना होगा। आज जब तक हमारे ग्रास रूट लेवल पर विलेजेस में गली कूचे में लोग इन्वॉल्व नहीं होते, उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जाता, हम यहाँ के हालात सिक्योरिटी के रिलेटेड ठीक नहीं कर पाएंगे। आज हमें बड़ा मुश्किल है, सड़क तो कभी बन गई लेकिन वो टूटी फूटी है, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है। ट्रैक्टर रोड तो बना दिया लेकिन वो बरसात में ख़त्म हो गया, दोबारा उसकी तरफ हमने नहीं देखा। हम सोच रहे हैं हमारी 50 मंजिल की इमारत हो, हमारे पूंजीपति उन इमारतों में रहें, हमारे बड़े बड़े अधिकारी उनमें रहें, बड़े बड़े नेतागण उनमें रहें और वो बड़ी बड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमें चाहिए, लेकिन गरीब का झोंपड़ा जो है वो टूटा है तो वो ठीक नहीं होना चाहिए। आज गरीब मस्कीन डाउनट्रॉडन दलित हर व्यक्ति जो है ये सोच रहा है कि काश मैं इस दुनिया पर ना आया होता तो मैं ठीक होता। आज यही नहीं बल्कि हमारे हर परिवार के यूनिट के ऊपर अटैक है। इसमें शक नहीं कि हमारे देश की फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हम सब ने मिलके दुश्मन को अपने अंदर घुसने नहीं दिया, चाहे वो सरहदों की राखी करनी थी हमने डट के की, चाहे हमें डिवाइड करने की कोशिश करी गई हमने डट के उसका मुकाबला किया, लेकिन आज जो अटैक हमारी फौज और हमारे फैमिली यूनिट पर हो रहा है,
इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। उसके लिए बाकायदा मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक कमीशन जो है उसका गठन होना चाहिए। वो कमीशन अपनी रिपोर्ट तुरंत चंद महीनों में दे और देखे कि कौन जिम्मेवार है और आगे हमको क्या करना है, क्योंकि आज जो पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं वो कामयाब नहीं हो रही हैं। कोई नई पॉलिसी की ज़रूरत है और हम तो डिमांड करते हैं कि मिलिटेंसी, करप्शन और ड्रग्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी होगी। आपने नंबरदार चौकीदार से लेके बड़े बड़े अधिकारी को कमज़ोर कर दिया, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को असेंबली, कैबिनेट सारी पावर्स दे दी। ऐसा लगता है जैसे रेजिडेंट कमिश्नर कहीं से अपॉइंट करके आपने भेज दिया, जिस तरह हमारे बीच में भेजे जाते थे इंग्लैंड से। यहाँ आते थे वो लोग, शासन चलाते थे और इसको कॉलोनी बना के रखा था। इसी तरह से जम्मू कश्मीर को और खसूसन जम्मू प्रोविंस को एक कॉलोनी के रूप में देखा जा रहा है, और यहाँ का तमाम वो चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, चाहे वो रेत हो, बजरी हो, मिनरल्स हों, वो उठा के लखनपुर से पार लिए जा रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। बाहर से यहाँ लोग आके ज़मीनें ले रहे हैं, नौकरियाँ ले रहे हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनको उस तरफ कोई फैसिलिटी नहीं है। आज यहाँ के नाम पे बड़े पूंजीपति बने हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि करोड़ों रुपया जो है वो इंडस्ट्री के नाम पे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम पे जो है वो यहाँ से निकल के हमारे नाम से जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और बाहर के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रोकना पड़ेगा, एक रुकावट लानी पड़ेगी, और फौरी तौर पर हमारा अपील है कि रियासत जम्मू कश्मीर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में उसको बहाल किया जाए। यहाँ के असेंबली के चुनाव सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक किए जाएं और यहाँ की सिक्योरिटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो अभी अभी थोड़े चंद दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से जो पावर्स कैबिनेट और असेंबली से हटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं, उनको रोल बैक किया जाए, ये हमारी डिमांड है। हमारे चेयरमैन श्री अशोक शर्मा जी जो एक्स एम एल ए हैं, उन्होंने विस्तार से सब कुछ बताया है, लेकिन कुछ बातें मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट इतनी बड़ी स्टेट थी टॉपोग्राफिकली कि पूरे भारत में माना जाता था कि जम्मू कश्मीर स्टेट। दूसरी बात यह थी कि इसको डोगरा स्टेट कहा जाता था, डुग्गर प्रदेश कहा जाता था, और बहुत अच्छा चल रहा था। अंग्रेज़ों के टाइम में भी हम गुलाम नहीं हुए और अंग्रेज़ यहाँ पे राज करके 200 साल चले गए, लेकिन हमारी स्टेट पे उन्होंने कब्जा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू को बचाने के लिए ये जो पीआरसी बना था, ये महाराजा हरि सिंह की एक सोच थी कि हमारे जो डोगरा लोग हैं बहुत ही शरीफ, नहायत अच्छे लोग और धार्मिक लोग हैं, इनको बाहर के लोग आके खा ना जाए, कहीं इनको बेवकूफ़ बना के लूट ना लेके चले जाए। अब क्या हुआ कि जैसे कि सरकार बदली, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो इन्होंने एकदम स्टेट के दो टुकड़े, एक यूनियन टेरिटरी बना दी लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छी बात थी। और जब 370 टूटी तो जम्मू के लोगों ने भी इस बात में खुशी जताई कि चलो ये डोमिनेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन आज जो हम सुन रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज के ऊपर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को बनाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेमानी बात, इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं है कि जय हमारे साथ हिमाचल स्टेट है जिसमें 68 सीटें एमएलए की है, वो स्टेट है, वो 371 वहाँ पे लागू है, यहाँ पे 370 तोड़ के 371 लागू नहीं की गई। सबसे बड़ी बात जो अशोक शर्मा जी ने कहा है कि मैंने भी फौज में थोड़ी बहुत नौकरी की है, मैं जानता हूँ कि जब तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन गांव से लेकर राजधानी तक ही, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, हमारे चौकीदार, हमारे लंबरदार और ख़ासकर विलेज डिफेंस कमेटी जो होती थी, VDC जिसको बोलते हैं, वो इतनी सतर्क होती थी कि मिलिटेंट गांव में घुसने से पहले 100 बार सोचता था, चाहे उनके पास कितने आधुनिक
वायरलेस हो या उनका नेटवर्क हो, लेकिन उनको ये पता रहता था कि BDC वहाँ पे अलर्ट है। अब देखिए हमारे गांव में हमारे जो आज का माहौल है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहती कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो। अरे भाई, डेमोक्रेसी में 2014 के बाद आज आप इलेक्शन करवाने जा रहे हो, लेकिन इलेक्शन से पहले ये हालात बन गए कि यहाँ पे हमले पे हमले, वो भी हमारी भारतीय सेना के ऊपर। इतनी सेना तो अगर लड़ाई हम पाकिस्तान से शुरू करें तो इतनी सेना हमारी कैजुअल्टी तब भी नहीं होगी जितनी कैजुअल्टी हमारे नौजवानों के ऊपर अभी हो रही है। तो सरकार, सेंटर की सरकार अगर सीरियस है तो ठीक है, अशोक शर्मा जी ने कमीशन बिठाया जाए कि ये क्यों हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं चाह रही कि यहाँ पे चुनाव हो। चुनाव अगर होते हैं तो जो लूट खसूट जम्मू के साथ हो रही है वो बंद हो जाएगी। आज किसी DC से, किसी कमीशन से आप टाइम लेना जाओगे, चाहे आप MLA एक्स हो, चाहे आप चेयरमैन हो, वो आपको टाइम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो नहीं चाहते कि आपके साथ में इंटरेक्शन करें, क्योंकि आप सवाल करोगे उनको जवाब देना पड़ेगा। वो नहीं चाहते हमसे कोई सवाल करें, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू बचाओ मंच के मंच पे सभी आए और एकजुट होके आवाज़ बुलंद करें। और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जम्मू बचाओ मंच श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और हम सब साथी मिलकर कोशिश करेंगे कि जो जम्मू के शहीद हुए हैं, चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम सब मिलकर उनके घरों तक जाएंगे और जो यथासंभव सहायता होगी हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।